नमस्कार, खबरबाण न्यूज के कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं बालकृष्ण मिले और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। साहित्यकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में और एक भारत देश के लोगों को के बीच में जन जागरण के रूप में ख्यात हो चुके सत्यनारायण मौर्य जी, बाबा जी के नाम से इनको पहचाना जाता है। देश विदेश में लगातार कार्य कर रहे हैं और आज बदले परिवेश में खबरबाण न्यूज से चर्चा करने के लिए मौजूद है। सत्यनारायण मौर्य जी, आपका खबरबाण न्यूज में बहुत बहुत सारा स्वागत है। सबसे पहला एक ही सवाल रहेगा, राम जन्मभूमि आंदोलन से प्रारंभिक दौर से जुड़े रहे हैं, कई संस्मरण आपके भीतर है, हालांकि ज्यादा इस विषय को हम छेड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ऐतिहासिक फैसला आ चुका है, रामलला विराज चुके हैं उनके स्थान पर, फिर भी एक मन में जो आपकी खुशी है वो हमारे खबरबाण न्यूज के दर्शकों को आप बता सकते हैं। कितना आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक अनुभूति आपको किस तरह सुखद हो रही है? बहुत अच्छा एहसास हो रहा है जी। हालांकि संतुष्टि थी वो जगह राम की थी जी, राम की है जी, बस सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया जी, इस बात की खुशी है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा, उस अभियान से बहुत लंबे समय से जुड़े थे और मन में इच्छा थी मंदिर बने। मंदिर तो अब भी था, 6 दिसंबर के पहले भी मंदिर ही था, पूजा नियमित होती थी जी। और 6 दिसंबर के बाद भी नियमित वहाँ राम की पूजा हो रही है जी। और अब भव्य मंदिर में पूजा होगी। मैं तो कई बार एक बात बोलता था, मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, तो वो दिन आ गए। क्या बात है, लेकिन इसके लिए आप जैसे नींव के पत्थर साबित हुए, आपके जो जनजागरण के अभियान है हमने बचपन से लेकर आज तक देखे, जिस तरह से आपने पूरी जीवटता के साथ, पूरी सिद्धत के साथ पूरे भारत भूमि पर भ्रमण करते हुए भारत माता के आरती को गाकर अपनी पेंटिंग के माध्यम से, कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली आपको? क्या वाकई विश्वास था कि जिस अभियान से आप जुड़े हैं उस अभियान का ये विराट स्वरूप आपको देखने को मिलेगा? जहाँ तक आपने मेरे बारे में भी कहा, अभियान के बारे में कहा, तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ, मैथिली शरण गुप्त जो अपने राष्ट्रीय कवि रहे हैं जी, उनकी पंक्तियाँ हैं जी, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है जी, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो मैं तो सोचता हूँ, सामान्य सा एक राजगढ़ छोटा सा गांव है जी, शहर है, वहाँ से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक और जो काम किया जी, तो मुझे लगता है प्रभु ने क्षमता दी जी। मतलब मैं तो कई बार अपने आप को निमित्त समझता हूँ, अगर मैं नहीं होता तो राम किसी और से काम करवा लेते, पर मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही मैं अच्छा गायक बना, अच्छा गीतकार बना। मैं गायक तो था ही नहीं, श्रद्धे अशोक जी सिंगल थे, उनने एक बार मेरे गीत देखे जी। मेरे कुछ नारे दीवार पे लिखे हुए थे, तो उन्होंने कहा लिखते हो, तो मैंने कुछ गीत लिखे थे रामचरण पादुका के, जब अशोक जी ने कहा कि गीत लिखे, मैंने कहाँ लिखे, तो उन्हें गा के बताओ, मैंने गा के बताया। उसके पहले मैंने कभी तबले के साथ, हारमोनियम के साथ, कलाकारों साथ कभी इस ढंग से गाया नहीं था, केवल सुंदरकांड में हल्के फुल्के ढंग से गाया करता था। तो पहली बार स्टूडियो मैंने अपनी आंखों से देखा, पहली बार गाया, और पहली बार राम के गीतों ने मुझे गायक बना दिया, फिर संगीत की फील्ड में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो मैं तो समझता हूँ राम मंदिर बनाने में मेरा योगदान है कि नहीं, लेकिन राम का योगदान मुझे बनाने में है। बिल्कुल सही कहा आपने, राम जी का योगदान आपके व्यक्तित्व को बनाने में बिल्कुल झलकता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिकल्पना जो आपने संजोई थी बचपन में, आपको कैसा ये लगा कि अचानक इस मूड पे हम चले जाए, इस मोड पे हम जी? तो भैया कॉमर्स का स्टूडेंट था जी, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, एम कॉम मैंने किया था जी। उस समय तक ऐसा कोई विचार नहीं था, केवल काम करने के लिए पेंटिंग के प्रति बचपन से रुचि थी जी। और बचपन से रुचि के लिए मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, जैसे हम कमर्शियल रूप में उभरते हैं वैसे हम अपनी कलाओं को खो देते हैं जी। आज मैं अपनी माताजी को याद करता हूँ कि बचपन मुझे जब गणेश चतुर्थी आती थी तो वो घर पे मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाती थी जी। और जब मिट्टी की मूर्ति बनाती थी तो मतलब थोड़ी सी मिट्टी हमको भी देती थी, तुम भी बनाओ जी। और थोड़ी सी मिट्टी से गणेश बनाने से हमारी कला का श्री गणेश हुआ। बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल मैं कई बार देखता हूँ, सब काम में मुझे मजा आता है, जब भोजन भी बनाता हूँ मजा आता है जी। तो जब हम छोटे थे तो अगर माताजी भोजन बना रही है तो हम, आप भी देखते हो छोटे बच्चे जिद करते हैं हम भी रोटी बनाएंगे, तो माताजी कई बार छोटा सा आटे का टुकड़ा दे देती, भाई तू भी बना। बिल्कुल सही। तो वास्तव में बच्चों को सिखाया जाता है, जिस चीज़ से आजकल हमने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को दूर कर दिया, उनको केवल शिक्षा देके हम सोचते, शिक्षा से आदमी ऐसा नहीं बनता जी। तो मैं घर पर कलर की भी सुविधा नहीं थी, केवल होली के कलर से कुछ बनाया करता दीवारों पर, तो मैं केवल सामान्य पेंटर के रूप में विकसित हुआ था जी। और पेंटर के रूप में विकसित होते होते कभी कवि बनेंगे ऐसा सोचा नहीं था, खाली तुकबंदी कभी कर लेते थे, लेकिन बाद में अपने आप ऐसा माहौल बनता गया कि मैं चित्रकार बन गया। चित्रकार बनने के बाद में बाकी कलाओं का विकास होता गया। तो राम जन्मभूमि जिसका आप बोल रहे हैं,
उसके पीछे जुड़ने के तो मेरे कारण रहे थे जी। मैंने एम कॉम पहले जब किया था, एम कॉम के बाद मैंने ड्राइंग में एम ए किया उज्जैन से जी। श्रद्धेय वाकणकर जी को याद करना चाहूँगा, उनसे मिलने के लिए मैं उज्जैन आया था, और जिस दिन मैं एडमिशन के लिए उज्जैन आया उस दिन वो शांत हो चुके थे। अच्छा। पद्मश्री थे वो, और उन्होंने बहुत भारत के लिए खोजें की जी। और इन लाइनों में आने का महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि हमको जो बचपन से पढ़ाया जाता है वो सच नहीं है। बिल्कुल। जैसे कला के बारे में, जब कलाकार बना तो मुझे कलाकार बनना चाहिए था जैसे आमतौर पर लोग बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन कलाकार बनने के बाद एक विद्रोही कलाकार बनने के पीछे कारण रहा कि जो कुछ मुझे पढ़ाया गया झूठ था। जब मैंने एम ए ड्राइंग में किया और मुझे गोल्ड मेडल मिला, यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिस चीज़ को पढ़ के मैं टॉपर हुआ वो झूठ थी। जैसे बचपन से आपको पढ़ाया गया कुतुब मीनार किसने बनाई, तो हमको स्कूल में आज तक पढ़ाते कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। बिल्कुल। लेकिन हम बोलता हूँ कुतुब मीनार पे जाके देख लीजिए, तो कुतुब मीनार के बाहर गवर्नमेंट का शिलालेख लगा हुआ है कि 27 मंदिरों को तोड़ के इसका रूपांतरण किया गया, वो पृथ्वीराज चौहान की बनाई हुई थी जी। लेकिन हमको गलत पढ़ाया गया। अब उस गलत इतिहास को पढ़ के हम यहाँ तक आए हैं। राम जन्मभूमि का इतिहास नहीं, हमको इतना इतिहास गलत पढ़ाया गया। हमको बचपन से पढ़ाया गया हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो राइट ब्रदर्स ने अमेरिका में किया, जबकि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर थे शिवकर बापू तलपदे, उन्होंने हवाई जहाज उड़ा के दिखा दिया था। अच्छा, इस बात को दबा दिया गया था। जब मैंने इस बात को हाईलाइट किया और मैंने प्रदर्शनी बनाई और मैंने कहना चालू किया कि ये हवाई जहाज का आविष्कार हमने किया, तो मेरे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। मैं जब जी टीवी में काम करता था वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बोले तुम तो पुरातन पंथी हो। और अभी आपने देखा होगा एक फिल्म बनी हवाई जहाज जी, वो इसी पे फिल्म बनी। कितना कचोटता है आप जैसे एक रिसर्च करने वाले व्यक्तित्व को कि इस तरह का इतिहास हमें पढ़ाया अभी, जा रहा अभी है। अभी मार्कोनी के नाम से रजिस्टर्ड है। वायरलेस किसने बनाया, तो हमको पढ़ाया जाता है वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया जी। लेकिन मार्कोनी से 1 साल पहले सर जगदीश चंद्र बोस जी, उन्होंने वायरलेस बना दिया था, पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया जी। लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज ये जे एन यू की बात भी उठती थी। जे एन यू की बात ये है कि इनके जितने इतिहासकार बोल रहे थे कि वो राम जन्मभूमि नहीं थी, अब वो सारे इतिहासकार झूठे साबित हुए। क्योंकि जो मोहम्मद हमारे मित्र हैं मोहम्मद जी, जो मोहम्मद लाल जिन्होंने इसकी पूरी खोज की है कि वह मंदिर था, ASI पुरातत्व के अधिकारी हैं, तो उन्होंने सिद्ध करके बताया, बड़ी बड़ी मशीनों ने सिद्ध कर दिया कि इसके नीचे ढांचे के अवशेष हैं, और जब ढांचा खुदा तो उसके नीचे पूरे अवशेष निकले। तो जितने इतिहासकार किसी कमरे में बैठ के लिखते वो बातें सत्य नहीं है। तो इन सब बातों ने मन को कचोटा, तो जो आप बोलते ना, इस कचोट ने मतलब मुझको एक राष्ट्रवादी कलाकार बनाया, नहीं तो साधारण कलाकार बन के मैं गुम हो चुका होता। तो कई बार जो मन में चोट लगती है कि हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे बाप बूढ़ों ने, मुझे लगता है भारत के ऋषि मुनि मतलब मेरे पूर्वज। बिल्कुल। जितना मैं अपने पूर्वज की कमाई पर गर्व करता हूँ, तो आज मुझे कहीं ना कहीं एक बात लगती है कि अगर मैं अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करता हूँ तो पिता के लिए मेरा कर्तव्य भी है। बिल्कुल। तो आज अगर मैं भारतीय होने का गर्व अनुभव करता हूँ तो भारत के प्रति मेरा कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य में मुझे थोड़ी सी दिशा दी और अलग लाइन में पकड़ ली। नहीं, वाकई आपका कर्तव्य निष्ठता जो है पूरे देश ने देखा है। भारत भूमि के आप एक ऐसे सपूत हैं, गंगा माई के लिए भी लगातार काम करते देखे गए हैं। किस तरह का आपका अभियान रहा गंगा सफाई को लेकर या गंगा जी को लेकर जो आपने काव्य किया है, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से आपके दिलो दिमाग में वो सारी चीज़ें आती है जो मुझे लगता है कि अच्छे और देश की जो सरकारें हैं उन्हें जो सोच रखना चाहिए वो सोच आपके भीतर से उत्पन्न होती है। ये देखो बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने शुरू में प्रश्न किया राम जन्मभूमि का जी, तो मुझे खुशी इसलिए कि हमने जिस काम को आरम्भ किया था वो आज मुकाम तक पहुँचा जी। उसी समय मेरी किताब निकली थी 8 लाख की संख्या में गाय के ऊपर जी, चित्रमय चेतावनी के नाम से श्रद्धे अशोक सिंगल जी निकलाई थी जी। उसकी कई भाषाओं में प्रतियां निकली और हमने एक बड़ा कत्लखाना चला था, अल कबीर कत्लखाना हैदराबाद में, उसके विरोध के लिए मैं गया था तो हमने गीत वगैरह लिखे थे। तो है क्या, जिसको हम बोलते हैं भारत माता, तो ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो आजकल लोग जो विरोध करते हैं भारत माता की जय क्यों बोली जाए, तो हम भी जानते हैं कोई भारत माता दुर्गा माता की तरह कोई एक प्रतिमा नहीं है। भारत माता कोई साकार स्वरूप में ऐसा कोई मनुष्य का शरीर नहीं, लेकिन एक भारत माता के पीछे भावना है। बिल्कुल। और जो भावना मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं कहता हूँ भारत मेरी माता और आप कहते हैं भारत आपकी माता, तो जितने लोग कहते हैं भारत हमारी माता उनसे हमारा नाता। बिल्कुल सही। और जो भारत को नहीं मानता माता उससे मेरा क्या नाता। बिल्कुल सही। तो भारत को माता मानने से इनकार करना, यानी इस देश को अपना स्वीकार करने से इनकार करना, इस देश की संस्कृति से इनकार करना, इस देश की सभ्यता से, इस देश की परंपरा से, इस देश के निवासियों से, इन सबसे विरोध करना, भारत माता का विरोध करना। तो जब भारत माता बोलते तो केवल भारत माता नहीं है, भारत माता नहीं, भारत माता के अंदर गाय माता भी है। बिल्कुल सही। भारत माता के अंदर
गंगा माता भी है जी। भारत माता के अंदर हम जिसको बोलते हैं धरती माता भी है। बिल्कुल सही। तो मैं कई बार बोलता हूँ अगर इस देश की संपत्ति नष्ट हो जाए तो भारत माता क्या करेगी, गरीब हो जाइए। इस देश के पेड़ पौधे नष्ट हो जाए तो हम भारत माता को लेकर क्या करेंगे। इस देश में अगर गंगा गंदी हो जाए तो हम लेके क्या करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये विषय बहुत दिनों से हमारे दिमाग में था और मेरी एक आदत है कि किसी काम को खुद के ऊपर लेने के बजाय जो संस्थाएं काम करती हैं उनको जोड़ के काम करने में एक ज़्यादा आनंद आता है। क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं नेता बनने के बजाय कलाकार बन के इन मामलों में सहयोग करता रहूं जितनी परमात्मा ने, क्योंकि अब सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। ये बात जरूर, परमात्मा ने कई तरह की क्षमताएं दी हैं तो मैं चाहता हूं जितने तरह की क्षमता दी इन सबको लेके उपयोग करूं। तो गाय पे भी काम किया था, फिर गंगा पे भी हमने एक बार काम किया। तो मन में इच्छा हुई थी कि इसके लिए गंगा के लिए काम करना चाहिए। जब हम बोलते हैं राम तेरी गंगा मेली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, तो मुझे मन में केवल एक ही विषय आया था। मैं हरिद्वार गया था, फिर बद्रीनाथ गया था, तो वहाँ जाकर लोग फूल डालते हैं जी। जैसे मैंने देखा हमारे दादाजी के फूल थे, हड्डियाँ होती हैं उनको गले में डाल के ले जाते हैं और वहाँ समर्पित करते हैं, भाई गंगा में फूल डालें। तो मुझे लगता था कि यार हम गंगा नदी में अपने बाप बूढ़ों की हड्डियाँ डालते हैं फूल के तो हमने हड्डियाँ तो उसमें डाली पर गंगा को भी शुद्ध करने का प्रयास किया। अगर वो माँ है तो माँ को शुद्ध करना चाहिए। फिर मुझे अफसोस हुआ, एक बार मेरे कुछ मित्र आए थे बाहर से तो उनको लेके मैं बनारस कुछ जगहों पर गया था और जाके उनसे कहा कि भाई बच्चों स्नान करो, तो विदेश के बच्चे आए थे उनको कहा गंगा को प्रणाम करो तो उनने गंगा को प्रणाम किया, पर जब उनसे कहा कि भाई स्नान करो तो उन बच्चों ने इनकार कर दिया, बोले कि ये तो गंदा पानी, इसमें हम स्नान नहीं कर सकते। तो फिर एक मुझे दिल को चोट लगी जी। मैंने कहा यार मैं गंगा माता की जय बोलता हूँ और गंगा के साथ ये स्थिति, तो फिर मैंने कहा हम एक काम करते हैं, इस काम को उठाते हैं, कहाँ जाकर पहुँचेगा बात की बात है। क्योंकि हमने जितने मुद्दे उठाए, आज मैं बधाई देना चाहूँगा, मतलब मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है श्रद्धे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मुझे प्रसन्नता इसलिए ज़्यादा होती है कि कम से कम मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और ये सारे विषय पर उनके साथ काम किया मैंने। जब हमने 93 में कैसेट्स बनाई थी तो ये सारे जितने विषय हैं, गाय का विषय, डंकल प्रस्ताव का विषय, स्वदेशी का विषय, गाय का, गंगा का, ये सारे विषयों पर हमने उस समय काम किया। तो मुझे अच्छा लगता है जिन जिन विषयों को हमने उस समय छुआ जी वो आज सब मुकाम पर पहुँच रहे हैं। आज गाय का विषय भी मुकाम तक पहुंचने वाला है। केवल एक मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, जब राम जन्मभूमि बात होती थी तो लोग बोलते थे मंदिर तो कांग्रेस ही बनवा देगी, पर मैंने कहा राम का मंदिर बन जाए और राम के मंदिर के सामने भिखारियों की लाइन लगी रहे जी। राम का मंदिर बन जाए और कश्मीर जलता रहे, राम का मंदिर बन जाए और गायें रोज कटती रहें, राम का मंदिर बन जाए इस देश के पर्यावरण और संस्कृति नष्ट हो जाए, राम का मंदिर बन जाए हम शुद्ध हवा में सांस न ले पाएं, तो ऐसे राम के मंदिर को लेकर हम क्या करेंगे। राम का मंदिर बन जाए हमारी माता बहनें सुरक्षित ना हो, बलात्कार से पीड़ित होती रहें और हमारे मन की भावना गलत हो जाए, तो हम राम के मंदिर को लेकर क्या करेंगे। तो जो राम का मंदिर वो तो ईंट गारे का मंदिर है जी, श्रद्धा से मंदिर। जब कई बार लोग मुझसे बोलते थे आपके राम का मंदिर कब बन रहा था, मैं स्पष्ट बोलता था मुझको मेरे राम का मंदिर नहीं बनाना, क्योंकि मेरा राम तो मेरे मन में रहता है। और मैं तो कई बार एक बात बोलता हूँ आपको जी। जब राष्ट्र की बात करता हूँ लोग राम की बात करते हैं तो बोलते हैं तुम धर्म की बात क्यों करते हैं, तो मैं कहता हूँ राम धर्म नहीं है, राम तो राष्ट्र है जी। आज जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक चले जाइए जो लोग राम के समर्थन में उनके नाम में भी राम है जी। और जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं उनके नाम में भी राम है। आप पंजाब चले जाओ तो राम सिंह, आप मध्य प्रदेश आ जाओ तो राम जी मिल जाएंगे, गुजरात चले जाओ राम जी भाई मिल जाएंगे, इधर देख लो तो पंजाब में राम सिंह हो जाएगा तो उधर राम सिंह हो जाएंगे, इधर रामचंद्र हो जाएंगे, कहीं जाकर राम लला हो जाएंगे, कहीं रामलाल हो जाएंगे। आप दक्षिण भारत में चले जाओ कभी आंध्र प्रदेश में तो वहाँ राघवलू मिल जाएंगे, इवन जो उनका विरोध करने वाला रामचंद्रन है दक्षिण में तो उसका नाम भी रामचंद्रन है। तो मैं कई बार एक कविता पढ़ता था राम के बारे में, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में, गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की पूजा होती है हरि के आचरणों पर। आज भी किसी की शादी होती है तो ये नहीं बोलते हैं कि पवन की शादी मतलब रीता से हो रही है, बोलते हैं गीत वही गाए जाते हैं राम की शादी सीता से हो रही है। किसी घर में बच्चा पैदा हो तो मुझे जी गीत यही गाए जाते हैं कि भाई देखो दशरथ के घर में राम पैदा हुए, कि उसी राम की पूजा होती है हरि के आचरणों पर, उसी राम के रंग रंगी अपनी प्यारी धरती है और राम नाम को सत्य बताती जाती हरी करती है, उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ और राष्ट्र देव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। क्या तो राम और राष्ट्र में अंतर नहीं है। तो गंगा के लिए हमारी ऐसी इच्छा हुई थी तो हमने गंगा महासभा संस्था है जिसके जो प्रधान हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे, बहुत पहले से हम साथ काम करते थे, अब सन्यासी हैं श्री जितन नंदन जी महाराज बनारस में, तो उनके साथ मिलकर हमने गंगा सागर से गंगोत्री तक यात्रा की थी। और उल्टी हमने यात्रा इसलिए की, कई बार लोगों ने पूछा कि भाई आप उल्टी यात्रा क्यों कर रहे हो जी। लोग यात्रा करते हैं गोमुख से लेके गंगा सागर जाते हैं, तुम गंगा सागर से गोमुख क्यों जाते हैं। तो हमने उनसे कहा था
हमारे मंत्र हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय, मृत्योर मा मृतम गमय, कि हम मृत्यु से अमरता की ओर जाएं, असत्य से सत्य की ओर जाएं और अंधेरे से ज्योति की ओर जाएं। बिल्कुल। तो हमने कहा हम प्रदूषण से शुद्धि की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शुद्धि उधर है। पर आज मुझे अच्छा लगता है, मतलब आज जो हम मतलब गुलामी के कलंक ढांचे से हटकर राम मंदिर की ओर जा रहे हैं, गंगा भी शुद्ध हो रही है, ये भी आपने देखा होगा, गंगा की शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है और ये तमाम तरफ शुद्धि का अभियान है। अब इसमें दोनों धाराएं काम कर रही है, देश में कहीं भी संघर्ष हो, आज JNU का संघर्ष है, ये संघर्ष कोई शिक्षा के लिए उसके लिए नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सारे विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ मुफ्त में मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैं भी जब कॉलेज में पढ़ा तो कॉलेज में पढ़ने के साथ हमने मेहनत की फिर पढ़ाई की। बिल्कुल। हमने तो बचपन में आप लोगों ने संघर्ष किया होगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ वो माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं जो बच्चों को सुविधा देकर बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। आज बच्चों को हम TV हाथ में दे दो, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, तो अंत में उनको आंखों की बीमारी दे रहे हैं। हम उनको तेल बहुत ज़्यादा खाने को, अच्छा देखो ठीक होंगे लेकिन ठीक होने की अकल यहाँ से नहीं आएगी। जैसे भारत में ये जो कट्टरवाद समस्या है ये भारत से नहीं आई थी, लेकिन भारत ने कभी सुना नहीं, भारत ने कभी समझा नहीं, और भारत ने शब्द बोलने का प्रयास नहीं किया। मैंने बहुत पहले एक शब्द बोला था इस्लामिक आतंकवाद, तो उस समय सब लोगों ने भारत में मेरे को बोला, लेकिन बाद में जब अमेरिका में बोला गया तो इसको माना गया। क्योंकि है क्या, अभी पूरी दुनिया भर की समस्या, हमारी समस्या नहीं बची, प्रदूषण की समस्या हमारी नहीं है, ये पूरी दुनिया भर की समस्या है, और आतंकवाद की समस्या ये भी हमारी समस्या नहीं है, ये भी दुनिया भर की समस्या है, और ये जो भोगवाद है ये भी हमारी समस्या नहीं है, ये भी पूरी दुनिया भर की समस्या है। इसीलिए मैं आपको बड़ा, ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं अपन बात कर रहे हैं, कोई बातें अपनी विषयांतर्गत नहीं चल रही, एक अनौपचारिक चर्चा है। जब मैं अमेरिका गया था सन 2001-02 के लगभग, तो उस समय ट्विन टावर टूटा, तो मेरे कविता के कार्यक्रम थे वहाँ पे। जब मैंने कविताओं कार्यक्रम किए तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इस समय अगर ये कविताएं अमेरिका में पढ़ी तो लोग तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। जी। जो भारतीय लोग थे आपकी तरह मित्र थे, एक मेरे मित्र हैं अशोक व्यास, ITV चलाते हैं, तो उनने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद सुझाव दिया, बोले बाबा जी गड़बड़ हो सकती है, मैंने कहा क्या, तो बोले अमेरिका में तो इस समय इतना चल रहा है कि आप मोबाइल पर बात करते हैं और अगर मोबाइल पे बम शब्द आ गया या मोबाइल पे आपके आतंक शब्द आया, ओसामा शब्द आया, तो आपकी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और वो उनको डाटा सॉर्टिंग करते हैं और उसके आधार पकड़ सकते हैं, तो आप जो बोल रहे हो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कि अशोक जी अभी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो ITV हिंदी TV है जी, मैंने कहा अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा अभी इसका इंग्लिश अनुवाद भी करूँगा, तो मैंने उसका इंग्लिश अनुवाद भी किया और मैंने वो कविता करी। और मज़े की बात ही, अमेरिका के लोगों ने उस पर इतनी बधाई दी, उसके बाद तो मेरे इतने अमेरिकन मित्र बने जो कई विषयों पर हम काम कर रहे हैं जी। तो वो कविता का विषय था जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता जी। उस समय बिल क्लिंटन और बिल बुश राष्ट्रपति थे, विषय सही कहा कि जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता और अगर मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा काम दिया होता, ट्विन टावर टूटने के पीछे कारण बताया कि जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता और मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा कान दिया होता और लादेनों के बाप पाक को जो ना मान दिया होता और इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता तो बिल बुश दिल खुश रहता, यूं खंडित मान नहीं होता और हंसता गाता अमरीका यूं लहूलुहान नहीं होता। क्या बात है, सीख देकर आप आए वहां पर। अब ये अच्छा देखो विषय बताऊं मैं आपको, कुछ विषय कैसे होते हैं, जैसे गंगा के बारे में जब मैं सोचता हूँ मेरा सब्जेक्ट अलग होता है जी। और जैसा अभी ये इंटरव्यू के लिए बात चल रही थी 5-6 दिन पहले, मैंने कहा आराम से जब मैंने विषय समझा तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सकारात्मक बात करने का अपना आनंद होता है, आनंद होता है। तो जैसे गंगा है जी। मैं दुनिया भर में गंगा की बात करता हूँ, लेकिन मेरा एक बात कहना है, मेरी माँ है, मेरी अपनी माँ के प्रति श्रद्धा है, बिल्कुल माँ के प्रति श्रद्धा है अपनी, मेरी माँ का बड़ा रूप भारत माता है। मैं एक ही बात समझता हूँ कि जो मेरी माँ का रूप है वो बड़े रूप में देखो तो भारत माता है। राम जन्मभूमि कितनी बड़ी होगी, लोग बोलते हैं 67 एकड़, 5 एकड़ है, 5 एकड़ राम जन्मभूमि क्या है, राम जन्मभूमि का हिस्सा होगा 5 फीट का, 3 फीट का, 2 फीट का, लेकिन हमारी श्रद्धा ने एक बड़े स्थान को राम जन्मभूमि बना दिया, एक कमरे को जन्मभूमि मान लिया और उस श्रद्धा ने बड़े करके बड़े मंदिर को राम जन्मभूमि मान लिया। और आज राम जन्मभूमि कौन जानता है, हम इंदौर में बैठ के पूछते राम जन्मभूमि कहाँ है तो लोग बोलते राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, पूछते हैं बोलते राम जन्मभूमि अयोध्या में है, मध्य प्रदेश में केरल में बैठ के पूछते राम जन्मभूमि कहाँ है, बोले उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भारत में खड़े होकर पूछता, अमेरिका में पूछता राम जन्मभूमि कहाँ है तो बोलते राम जन्मभूमि भारत में है। और मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, जिस दिन ये मंगल पे और यहाँ पे वहाँ पे जीवन की खोज होगी उस दिन पूछेंगे भारत राम जन्मभूमि कहाँ है, तो उस दिन दूर पृथ्वी को इशारा करके बताया जाएगा ग्लोब में, देख के देखो वो पृथ्वी है, गैलेक्सी के अंदर सौरमंडल में वो राम की जन्मभूमि है। ये संकीर्णता तो हम लाते हैं जब हम अपनी पहचान छोटी करते हैं, तो हमने पहचान छोटी कर दी, राम जन्मभूमि तो पूरा भारत है। और जब तक राम जन्मभूमि की एक एक जगह से आतंकवादी रावण दूर ना हो जाए
तब तक राम जन्मभूमि मुक्त नहीं मानूंगा, राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा, लेकिन राम जन्मभूमि की असली मुक्ति उस दिन होगी जिस दिन इस देश से एक एक बलात्कार करने वाला रावण खत्म हो जाए, इस देश में मिलावट करने वाला रावण खत्म हो जाए, इस देश में दूध के अंदर मिलावट जो करते हैं वो खत्म हो जाए, इस देश में नदियों को गंदा करने वाले खत्म हो जाए, इस देश में पेड़ों को काट काट कर हरियाली को खत्म करने वाले लोग खत्म हो जाए, इस देश में जो द्वेष ईर्ष्या से एक दूसरे को लड़ाने वाले हैं वो खत्म हो जाए, मजहब के नाम पर एक दूसरे को गाली देने वाले खत्म हो जाए, धर्मांतरण करके दूसरों की भावनाओं का हाथ पहुंचाने वाले खत्म हो जाए, उस दिन अपन मानेंगे वास्तव में राम जन्मभूमि की असली मुक्ति हुई। तो जब राम मंदिर बनेगा तो मैं मानूंगा ये राम मंदिर की शुरुआत है, शुरुआत है। और जिस दिन राम का देश परम वैभव में पहुंचेगा उस दिन अपन मानेंगे राम जन्मभूमि बन गई। तो बड़ा अच्छा विषय बता दूं आपको, बिल्कुल बाबा जी, आप एक नए परिवेश में, क्योंकि आपसे चर्चा करना है ना समय में समेटना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप नए परिवेश के साथ में आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सुना है विदेश में आपने करीब 40 हिंदी स्कूल संचालित कर रहे हैं एनजीओ के माध्यम से, किस तरह शुरुआत है ये कि आपने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? खासतौर से एक बात और पूछना चाहूंगा इसी के साथ में, भारतीय संस्कारों का प्रचार प्रसार आप काफी दिनों से कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार सुनने में आ रहा है कि आप भारतीय संस्कारों के बारे में, भारतीय देवी देवताओं के बारे में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साइंटिफिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या है वो सब? वो बताता, जब मैं विदेशों में जाने लगा जी तो वहाँ मित्रों से मेरा परिचय होता था जी। मैं वहाँ कविताएं पढ़ता था जी। तो जब मैं कविताएं पढ़ता था तो मैं देखता था मेरी उम्र के लोग कविता सुनने आते थे। बिल्कुल। जैसे भारत में आप भी देखें हिंदी चैनल चल रहा है, लेकिन हिंदी की स्थिति की आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। अभी उस दिन मैं रात को ट्रेन में आ रहा था तो वो किसी का मोबाइल चोरी हुआ तो पुलिस ने आकर उन चार लड़कों से कहा भाई तुम ये रिपोर्ट लिख दो। वो चार लड़के थे कॉलेज पढ़े हुए, इसीलिए उनको कूल रूट्स बोला जाता है। उन चारों बच्चों से कहा तुम एप्लीकेशन बोले वी कांट राइट इन हिंदी, तो मैंने उसका तुम शुद्ध इंग्लिश बोल सकते हो, मीन कैन यू टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली विथ मी, मीन कि जो मैं बोल रहा हूँ तुम समझ सकते हो, तो फिर वो भी नहीं कर पाए। तो मीन तुम गए कहाँ, मीन कि ना तुम अंग्रेजी में पहुँच पाए ना तुम हिंदी में पहुँच पाए। तो मुझे क्यों याद आया, जब मैं जी टीवी में काम किया करता था तो मैंने एक प्रपोजल लिख के दिया था हिंदी में जी, तो गलती से मेरे ही प्रपोजल मेरे ही ऑफिस में घूम के उस पर एक स्लिप लिख के आई, प्लीज ट्रांसलेट इन हिंदी, मतलब प्लीज ट्रांसलेट इन लिटिल हिंदी इंग्लिश। तो मेरे को इतना आश्चर्य, उनकी हिंदी चैनल है जी। और वहाँ हिंदी समझने वाले लोग नहीं हैं, ये हिंदी के जितने कई सारे एक्टर आप देखते हैं हिंदी के दम पे कमाई खाते हैं, तो कुछ एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं या कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए या आशुतोष राणा के जो हिंदी के मामले में अच्छे हैं, बाकी और लोगों को हिंदी भी इंग्लिश में लिख के देना पड़ती है। तो मैं कई बार बोलता हूँ हिंदी का खाते हैं गाते हैं कहाँ के, पर चलो भारत की बात छोड़ दें, अब वो स्थिति भारत में होगी, इसलिए आपने कहा ना विदेशों में कितने रहते हैं, अब मैं भारत में ज़्यादा रहता हूँ। तो जब मैं उस समय 2001 के लगभग से गया था तो एक बार मेरी कुछ कविताएं पढ़ रहा था जी, तो मेरे एक मित्र हैं देवेंद्र सिंह जी, हिंदी यूएसए का जो काम देखते हैं, एक राज मित्तल हैं, कुछ मित्र हैं, तो उन्होंने मेरी कविताएं सुनी, तो मेरी कविताओं में देशभक्ति थी जी। जब देशभक्ति की बात करूँ तो आजकल जो जैसे कि जेएनयू में खड़े होकर देशभक्ति की बात करो तो उनको लगता है तुम कहाँ का देश, क्योंकि कम्युनिज्म के हिसाब से देश का तो कोई महत्ता नहीं है। पर मैं देशभक्ति की बात कर रहा था, कुछ लोगों ने विरोध करना चालू किया तो ये लोग मेरे साथ खड़े हुए, और जो लोग साथ खड़े हुए फिर हमने चर्चा की, तो वहाँ के लोगों में हिंदी के प्रति बहुत मैंने लगाव देखा। अच्छा। आज जैसे विदेश का कोई व्यक्ति भारत में आता है तो बोलते रविवार को कहाँ जाएंगे, तो अपने लोग बोलते रविवार को फिल्म देखने जाएंगे, और वो लोग कहते रविवार किसी मंदिर में जाएंगे, क्योंकि उनको विदेश में रहकर लगता है कि हम बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ें। मछली को पानी का महत्व पानी से बाहर आने के बाद मालूम पड़ता है, बिल्कुल सही। पानी के अंदर रहने, पानी के अंदर। तो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, फिर हमारी आपस में बातचीत हुई कि भाई आप लोग ये काम कर रहे हो मुझे एक बार बताओ, मैं भी कवि हूँ, अब मैं कविता कर रहा हूँ तो मुझे सुनने के लिए आप लोग आ रहे हो जी। लेकिन मेरे बाद 50 साल बाद कोई कवि आएगा तो उसको सुनने कौन आएगा? बिल्कुल सही। तो वहाँ की कई सारी अन्य संस्थाएं हैं वो सारे हिंदी कवि सम्मेलन कराती हैं, लेकिन ये हमारे मित्र जो थे इनको मेरा आइडिया, हम जो चर्चा की आइडिया, बड़ा अच्छा लगा कि आखिर आने वाले बच्चों को हिंदी कौन सिखाएगा। बिल्कुल सही। तो उन लोगों ने अपने बच्चों को जोड़ के फिर हिंदी स्कूल चालू किए, फिर हिंदी स्कूल चालू किए तो वहाँ एक हिंदी महोत्सव नाम से कार्यक्रम चालू किया। तो करते करते आप आश्चर्य करेंगे, उस हिंदी महोत्सव 2 दिन होता है न्यू जर्सी में जी। उस महोत्सव में 2000 बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं हिंदी में, हिंदी में गुड, वो हिंदी में व्याकरण, हिंदी में शब्द। और अभी दिसंबर में वो 20 बच्चे वहाँ से यहाँ आने वाले हैं जी। तो हर साल जो बच्चे, अब तो चूंकि संस्था जब शुरू की थी तब तो बहुत आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, तो सारे उनके पोस्टर बनाना ये करना वो सब यहाँ से करते थे, उनकी किताबों की, क्योंकि अमेरिका में बच्चों को हिंदी सिखाना तो इंग्लिश के मार्फत सिखानी पड़ेगी, हिंदी के द्वारा हम नहीं सिखा सकते, उनको इंग्लिश के द्वारा सिखानी पड़ेगी हिंदी। तो हिंदी
तो उनको सिखाने के तरीके अलग, उनकी बारह खड़ी अलग, तो उनके हिंदी के चार्ट अलग होते थे, तो वो हमने लिखे। फिर वहाँ पे हिंदी की जो बाकी गतिविधियाँ होती थी उसमें शामिल हुए, दशहरा सम्मेलन होता था, तो इन सब सम्मेलनों से जुड़ने के बाद में फिर ये अभियान प्रारंभ हुआ। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मुझे विदेशी लोग भी मिलने लगे, तो विदेशी लोग योग में तो काफ़ी आगे हैं। हमारे यहाँ भारत में तो जो योग आगे बढ़ा है, श्रद्धेय बाबा रामदेव कारण आज घर घर तक योग प्राणायाम चला, लेकिन योग प्राणायाम तो मतलब सन 75 के बाद से हम प्राणायाम से जुड़ गया था मैं, तो संघ की शाखाओं पर प्राणायाम और योग से हम जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने न्यूजर्सी में और न्यूयॉर्क में भी देखा कि वहाँ बहुत सारे अमेरिकन योग करते हैं और वो भारतीय परंपराओं से जुड़े, तो कई बार मुझसे भारतीय परंपराओं बारे पूछते थे, तो मुझको भी लगा यार इस परंपरा से जुड़ना चाहिए। फिर मैं वेस्ट इंडीज़ में जगह त्रिनिदाद एंड टोबेगो, तो त्रिनिदाद एंड टोबेगो जो जगह है 150 साल पहले भारतीयों को मजदूर बना के वहाँ पर ले गए थे जी। फिर वो 150 साल बाद वो देश आज़ाद हो गया जी। देश आज़ाद होने के बाद वो लोग वहीं छूट गए जी। उनसे कहा गया कि भैया तुम कहाँ जाओगे, बिल्कुल तुम चाहो तो वापस भारत चले जाओ, लेकिन वो लोग बोले कि अब भारत जाके भी क्या करेंगे, हमको जहाँ हमारी चार पीढ़ी निकल गई वहीं रहेंगे, तो वो लोग वहाँ रह गए। लेकिन उनकी आत्मीयता भारत के साथ इतनी है, भारत के फिल्मी गीत उनको पसंद है, भारत की हिंदी में बोलना चाहते हैं लेकिन हिंदी भाषा उनसे छूट चुकी है, वो पूजा करते हैं। तो उनने मुझे दिवाली नगर के लिए बुलाया था पहली बार सन 99 में जी। तो मैं उनके बीच काम कर ही रहा था, तो फिर ये जो आप सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, फिर मैंने हर साल उनकी एक थीम होती दिवाली नगर की, उस पर काम करना प्रारंभ किया जी। तो पहली बार वेद पे किया, फिर अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म पे किया, फिर भारतीय विवाह क्या होते हैं उसके ऊपर काम किया, भारतीय कला पे काम किया, तो करते करते करीब 20 प्रदर्शनियाँ मैंने बनाई हैं जी। तो जब मैं वहाँ प्रदर्शन लगाता हूँ तो अमेरिका में भी लगाता हूँ, और चूंकि वहाँ प्रदर्शनी इंग्लिश लगती है तो वहाँ जो अमेरिकन लोग हैं उनके बीच में भी काम करता हूँ, तो विषय मेरे अलग हो जाते हैं। जैसे आपको लगेगा भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति मेरी दृष्टि में अलग है। मेरी दृष्टि में भारतीय संस्कृति तिरंगा झंडा लगा के भारतीय संस्कृति नहीं होती है। हमारी भारतीय संस्कृति मैं समझता हूँ हिंदू संस्कृति क्या है। जैसे इस्लाम की संस्कृति वो चाहेंगे पूरी दुनिया में इस्लाम हो, क्रिश्चियन कहीं ना कहीं धर्मांतरण करके फैलाते क्रिश्चियन हो, तो लोग बोलते तुम दुनिया भर में भारतीय संस्कृति फैलाते हो, तो मैं भारतीय संस्कृति कैसे फैलाता हूँ। तो मेरी भारतीय संस्कृति की पहचान है मंदिर में हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारे मंत्रों में कहीं संकीर्णता नहीं है। हम बोलते हैं ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति ओषधय शांति, तो अगर हमने इस मंत्र को पढ़ लिया तो हमें समाधान मिल जाएगा। तो आज जो आप देखते हैं एक शब्द सुना होगा कार्बन रेटिंग, कोई कंपनी बनाता है और अगर कार्बन का उत्सर्जन कम करता तो उसको कार्बन के मार्क्स मिलते हैं, उसका फायदा मिलता है। तो ये मैंने देखा था, हमने अमेरिका में कुछ लोग थे उनने कहा भारतीय कैसे बने, तो उनने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि हम पीपल की पूजा करते हैं, तो वहाँ की लड़कियाँ बोली हमारे यहाँ तो पीपल है नहीं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था होती है जलवायु है उस जलवायु में पीपल वहाँ पर उगता नहीं है। तो वो वहाँ के लोग मुझे बोलते हैं हमारे यहाँ पीपल नहीं, हम किसकी पूजा करें, बच्चे हमको चाहिए। तो मैंने उनको कुछ जो लड़कियाँ थी हमारी परिचित, मैंने उनको कहा नो प्रॉब्लम, इफ़ यू नॉट हैव पीपल यू हैव मेपल, मैंने कहा पीपल नहीं तो मेपल की पूजा कर लो। भाई मूलतः पीपल की पूजा करने के पीछे हमारा भाव है हम उसको पर्यावरण को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, है ना। और मेपल की पूजा करें तो उनको फिर दूसरे दृष्टिकोण समझाया कि हम खाली किसी पेड़ को इसलिए ना माने कि उससे हमको फायदा होता है। ये जो मूलतः चीज़ है, जैसे मैं छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ विषय कैसे मुझे क्लियर करना पड़ता है, उसकी वैज्ञानिकता क्या होती है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, अभी अक्षय भाई मुझे लेने गए थे तो मैंने पहचान बताई कि उन्हें ये कहाँ घर है, मैंने कहा घर के सामने पीपल का पेड़ है, बगल में नीम का पेड़ है। तो अभी जब कभी सोमावती अमावस्या आती है, सोमवती अमावस्या, तो पूरे मोहल्ले की दूर दूर से महिलाएं आकर पीपल की पूजा करती, पीपल की पूजा करती। अब पीपल की पूजा करने के लिए आजकल पीपल नहीं है, पीपल कौन लगाएगा। इंदौर नगर निगम है, दिल्ली नगर निगम है, सब जगह गुलमोहर के पेड़ मिलेंगे, ये मिलेंगे, तमाम तरह के सजावटी पेड़ पौधे मिलते हैं, लेकिन बड़का पेड़ कौन सी गवर्नमेंट लगा रही है, पीपल का पेड़ कौन लगाता है, नीम का पेड़ कौन लगाता है, क्योंकि नीम के पेड़ से सीधा फायदा नहीं है। बाकी एक बात है, अगर दिल्ली में इतने नीम के पेड़ होते, पीपल के पेड़ होते, बड़ के पेड़ होते, तो क्या दिल्ली और ये लखनऊ जितने शहर प्रदूषण की आग में जलते। मैं इंदौर से भी कहता हूँ, जो आज समस्या दिल्ली में है वो समस्या क्या इंदौर भोपाल यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं होगी, बंबई में नहीं होगी, यहाँ पर भी समस्या होगी। इसके लिए हमको एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन आप समझें हमारी हर परंपरा जिसको हम कहते हैं बेवकूफ़ी, वो बेवकूफ़ी नहीं है। आज आप समझिएगा, जब भी श्राद्ध का टाइम आता है तो मैं इंदौर में देखता हूँ लोग थाली सजा के अपने पूर्वजों की शांति के लिए कौवों को ढूंढते हैं, पर कौवे इंदौर में मिलते नहीं। मैं बचपन में राजू में खूब कौवे मिलते थे, आजकल तो मैंने देखा उस दिन निकलते हुए अपने रामबाग से जो अपना ब्रिज पड़ता है जी, राजकुमार ब्रिज, तो उस ब्रिज के ऊपर लोगों ने एक के ऊपर एक थालियाँ लगा रखी है, खीर लगा रखी है, खीर नीचे गिर रही है, कौवे वहाँ पे भी नहीं, कौवा कितना खाएंगे एक दिन। तो ये परंपरा क्यों थी, तो बाद में मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ तो एक एक पशु को और एक एक पक्षी को, ये मेरी कुछ प्रदर्शनियाँ हैं, एक एक पक्षी को हमारे यहाँ धर्म से जोड़ा गया, एक एक पशु को धर्म से जोड़ा गया। क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये, अगर दुनिया में गाय हमारे लिए जरूरी है
दूध देने वाली गाय जरूरी है तो जहर उगलने वाला सांप भी हमारे लिए उतना जरूरी है। इसलिए हमने सांप की पूजा की, इसलिए हमने एक एक जीव को, कौवों को भी महत्व दिया, हमने गिलहरी को महत्व दिया कि इसका महत्व ये है। तो सबसे आनंद की बात यह है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में बरगद को बोलते हैं बुरा बरगद, बिल्कुल सही, पूर्वज के रूप में उसको माना जाता है जी। और कौवों को उसका प्रतीक बनाया है। तो कहीं ना कहीं बीच में सामंजस्य है कि बरगद का या पीपल का बीज आप डायरेक्ट बो के पेड़ नहीं उगा सकते, बीज या बरगद या पीपल हमेशा कहीं पेड़ के ऊपर मिलता है, कहीं मकान के ऊपर मिलता है, ये कौवे के पेट में इसकी प्रोसेसिंग क्रिया पूरी होती है। कौवे उसके बरगद के पीपल के बीज कौवे या पक्षी खाते हैं, उनके पेट में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जहाँ वो निकालते हैं उस जगह उगता है। तो वास्तव में ये जो काल पड़ता है अपना श्राद्ध का, ये कौवों का प्रजनन काल है, उस समय उनको एक अच्छा भोजन मिल पाए, सुरक्षित भोजन मिल पाए, इसके लिए कौवों को इनको देने की हमारी परंपरा बनी। तो ये जो परंपरा की बात करो, हमारे छोटी छोटी परंपराएं, किस समय क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में दूध दही हमारे लिए हानिकारक होता है, तो सावन के महीने में दही दूध ये भगवान शंकर को अर्पित कर देते हैं। तो ये परंपराएं जो हमारे यहाँ की विज्ञान बन गई है, तो इनको निकाल के मैं अपने हिसाब से एक बनाने का काम चल रहा है, तो अलग अलग प्रदर्शनी के माध्यम से। तो ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है, परंपरा का सब्जेक्ट है, देवताओं का सब्जेक्ट है। तो ये तो आपने एक बात और अच्छी बताई कि देवताओं, देवी देवताओं की खासतौर से बात करते, ये भी साइंटिफिक प्रतिमाएँ लगी, कई उदाहरण भी आपने दिए, किस तरह का अनुभव है? जैसे भगवान गणेश की हम बात करते हैं जी, तो आजकल तो स्कूलों में पढ़ाते हैं गणपति यानी द एलिफेंट गॉड, पर एलिफेंट गॉड नहीं, बच्चों को हमको बताना पड़ेगा गण का मतलब होता है समूह। जैसे भारत कौन सा तंत्र है? गणतंत्र है। गणतंत्र, तो गणतंत्र यानी जनता का समूह होता है, समूह का नेता गणनायक कहलाता है जी। उसको हम राष्ट्रपति बोल सकते हैं, अपना नेता बोल सकते हैं, महापौर बोल सकते हैं, जो जनता का नायक होता है उसको हम प्रथम पूज्य मानते हैं, प्रथम नागरिक मानते हैं। तो इसे भगवान गणेश को प्रथम नागरिक माना जाता है, गणनायक का मतलब जनता का नेता प्रथम माना जाता है। अब जनता का नेता कैसा होना चाहिए, तो भगवान गणेश के स्वरूप में उसका स्वरूप है। बिल्कुल, जैसे भगवान गणेश का आप सिर देखें तो बहुत बड़ा सिर है, तो बड़ा सिर यानी बड़ी स्मरण शक्ति, हाथी की स्मरण शक्ति बहुत बड़ी मानी जाती है जी। तो हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जिसका सिर बड़ा हो, बड़े दिमाग का हो, छोटे दिमाग का व्यक्ति ना हो। फिर भगवान गणेश के बड़े बड़े कान यानी बड़े से लेकर छोटे तक सबकी बात सुन सके, लुटियन झोन दिल्ली से लेकर यहाँ तक की बात सुने, इंदौर में अगर पलासिया की बात सुने तो कहीं ना कहीं जाके छोटे स्तर की बात भी सुने, गाँव की बात भी सुन सके, ऐसा नेता होना चाहिए। भगवान गणेश की नाक लंबी है, नाक मतलब जासूसी काम करती है, तो नेता की जासूसी इतनी होनी चाहिए किस कोने में बैठ के कहाँ राष्ट्रद्रोही लोग बैठे, कहाँ समाज विरोधी लोग बैठे हैं, वो उनको पता लगा सके। भगवान गणेश का बड़ा पेट, अपन बोलते हैं पेट में उसके बात नहीं पचती, कच्चे पेट का है, तो बड़े पेट का मतलब जो सबकी बात को पचा जाए है ना। फिर जैसे चूहे होते हैं, तो चूहा उपद्रवी तत्व है, यहाँ वहाँ उसे कपड़े काटते हैं, अनाज को गंदा करते हैं और जाकर बिल में छुप जाते हैं। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही तत्व जो होते हैं इनको भी पकड़ के उन पर नियंत्रण कर सके, ऐसा हमारा नेता होना चाहिए। गणेश के भगवान के हाथ में कमल का फूल है, कमल का फूल पानी में रहता लेकिन पानी में भीगता नहीं है। हमारा नेता भी ऐसा होना चाहिए, सुविधाओं में रहे जी, पर सुविधाओं का गुलाम ना हो, एक आम जनता के बीच में जा सके। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे इनका बताया, ऐसे भगवान शंकर का है जी। भगवान शंकर का परिवार देखो, तो एक परिवार के अंदर हम देखते हैं, एक राष्ट्र के अंदर, एक परिवार के अंदर, एक दुनिया के अंदर अगर हमको रहना तो कैसे रहना है। तो भगवान शंकर आदर्श परिवार है, उनका परिवार आप देख लो, शंकर का स्वभाव अलग है, पार्वती का स्वभाव अलग है। भगवान शंकर स्वभाव सन्यासी है, पार्वती स्वभाव से राजकुमारी है। उनके दो पुत्र, एक पढ़ाई वाला, एक लड़ाई वाला है, कार्तिक लड़ाई वाला है, गणेश जी पढ़ाई वाले हैं। तो हम सबके परिवार, दो बच्चे होंगे, सबके स्वभाव अलग होते हैं, अपने परिवार को तोड़ के देखो। उसके बाद भगवान शंकर के परिवार में सांप भी है उनके गले में, गणेश जी के पास चूहा भी है, कार्तिकेय के पास मोर भी है, और तीनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। उनके पास बेल भी है, उनके पास शेर भी है जी। शेर बेल शत्रु हैं। तो आप देखो कि एक चित्र के मार्फत उन्होंने कितनी बात की है। तो मैंने भगवान शंकर का साधारण सा स्वरूप बताया, लेकिन भगवान शंकर के आप नटराज स्वरूप जाओ पूरा अणु का आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए शरण में उनकी प्रतिमा लगाई। माँ काली की प्रतिमा तो हमने नहीं लगाया, लेकिन न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर उन्होंने काली माता की पूरी प्रतिमा बनाई, एक प्रदर्शनी बनाई थी। जॉन्स कलाकार हैं कैलिफोर्निया के, तो उन्होंने 2 घंटे के लिए लेजर से लाइट साउंड शो किया था न्यूयॉर्क में, और वहाँ की गवर्नमेंट ने खर्चा किया, वो प्रकृति और पर्यावरण को लेकर था, और उसका समापन उन्होंने काली माता की तस्वीर बना के किया। हमने तो भारत में तो काली माता का शब्द दे देते हैं तो ये JNU वाले चिल्ला के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे हैं। मैं एक बात मानता हूँ, जिन जवाहरलाल नेहरू ने भारत का कभी इतिहास नहीं पढ़ा, उन्होंने लंदन की किताबें पढ़ के, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको इसके रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि इन्होंने जिन किताबों को पढ़ के जेल में बैठ के इतिहास भारत का लिख दिया, तो उसको हम भारत का इतिहास स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत का इतिहास बिना महाभारत के पूर्ण नहीं है। अच्छा, मजे की बात सुनो, नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में रामायण बाद में हुई, महाभारत पहले हुई। अरे मूर्खाधिराज, महाभारत के अंदर रामायण का उल्लेख है, रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं है।
पर चक्कर क्या है, ऐसे जिन लोगों ने, कम अक्ल लोगों ने अंग्रेजों की नकल करके भारत का इतिहास लिखा जी, मैं तो कई बार बोलता हूँ आर्य बाहर से आए, इनने झूठा राग चलाया और अंग्रेजों का लिखा हुआ विकृत इतिहास पढ़ाया, आदि सनातन देश को इनने एक सराय है माना और आक्रांता और मूल निवासी में ना फर्क पहचाना, बाबर से करते हैं अपने भारत की पहचान वापस, राम जन्मभूमि बात जो चलती है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमको सिखाया था आर्य बाहर से आए जी, आर्य बाहर से नहीं आए हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, अंग्रेज बाहर से आए फिर मुसलमान बाहर से आए, तो इनने सिद्ध करने की कोशिश की कि आर्य बाहर से आए, जबकि अब नवीनतम खोजों में सिद्ध हो रहा है, यहाँ के डीएनए सिद्ध हो रहा है, हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि मूल निवासी का किसी को भान ना हो इसलिए हमको सिखाया गया काफिले बसते गए हिंदुस्तान बसता गया। श्रीमान जी जब से काफिले आए तब से हिंदुस्तान उजड़ा है, इस काफिले आने के पहले भारत स्वर्ण में सोने की चिड़िया कहलाता था, काफिले आने के पहले भारत जगतगुरु था, काफिले आने के बाद हमारी गुरुकुल परंपराएं उजड़ी, काफिले आने के बाद हमारी भारत की सभ्यता नष्ट हुई, भारत की संस्कृति नष्ट हुई, भारत के संस्कार नष्ट हुए, काफिलों ने भारत को उजाड़ा है। ये राम जन्मभूमि आंदोलन, राम का मंदिर का निर्माण, इन काफिलों से हटकर वापस अपने मूल तत्व तक जाना है और अपनी जमीन पर वापस अपना अधिकार प्राप्त करना। तो बातें बहुत सारी, विषय आप कहेंगे तो सारी देवताओं की बात करूंगा तो एक एक देवता के स्वरूप में पूरा पूरा समय लग जाएगा। बिल्कुल, तो वास्तव में देश में होना चाहिए, मैंने जी टी वी में रहकर जागरण जब प्रोग्राम किया था तब मेरे मन में भाव था हमारे साधु संत, हमारे जो लोग हैं कथाकार, वो एक एक देवता का स्वरूप बताएंगे, पर जैसे मैंने बताया कि लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी आप इतने बड़े रहते, जैसे मेरा घर है तो मैं तो आज भी जब भैया गए देख के आए थे, मैंने कहा भैया ये आपका ऑफिस है, मैं इनकी ऑफिस है, रात को सोते समय मैं इनकी हटा के यहाँ बिस्तर लगा देता हूँ, बिस्तर बन जाता है, मेरा बेडरूम बन जाता है, जब मैं वहाँ पेंटिंग करता हूँ तो इनकी मेरा ड्राइंग रूम बन जाता है। तो लोग बोलते हैं यार इतना बड़ा काम करते हो, दुनिया भर में काम करते हो, इतने सिंपल तरीके से रहते हो, तो मैंने एक ही बात कही, मेरे पास दान देने वाले लोग नहीं है जी, और मेरा अभियान दान देने वालों को ढूंढना नहीं है, मेरा अभियान जान देने वालों को ढूंढना है। इसलिए आज जितने साधु संत बोलते हैं ये खुल के कैसे बोल पाएंगे जी, ये सब साधु संत अंडर में रहते हैं इनके दानदाताओं के, और दानदाता और जितने बड़े उद्योगपति ये अंडर में रहते हैं सरकार के जी, तो सत्य बोल कहाँ से पाएंगे। सत्य बोलने के लिए आपको कबीर बनना पड़ेगा, सत्य बोलने के लिए तुलसी बनना पड़ेगा, सत्य बोलने के लिए आप बहुत बड़ा आडंबर खड़ा करके एक आश्रम और एक बड़ा अपना धन दौलत का साम्राज्य खड़ा करके फिर आप सत्य नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि गर्दन आपकी गर्दन कोई भी आगे पकड़ सकता है। तो मैंने कहा ना इन बातों को, मैंने चाहता बहुत लोग प्रारंभ करें लेकिन चूंकि इन बातों कहने से सीधे सीधे दान नहीं मिलता है, इन बातों कहने से सीधे सीधे, अब जैसे लोग आके मेरे पैर छीते तो मैं सीधे एक बात बोलता हूँ, भैया मेरे पैर छीने से अगर देश का कल्याण होता, तुम्हारा कल्याण होता तो कर लो, पर मैं एक ही बात बोलता हूँ घर जाके अपने माता पिता के पैर छीलो। या उससे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि सुबह से शाम तक ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करो कि शाम को खुद के पैर छीने की इच्छा हो। तो यानी हम स्वयं महान बनने की कोशिश करें, हम स्वयं अपने परमात्मा को जागृत करें, हम दूसरे के अंदर परमात्मा कब तक ढूंढेंगे, हम नेताओं के अंदर परमात्मा कब तक ढूंढेंगे, हम मूर्ति के अंदर परमात्मा कब तक ढूंढेंगे, हम साधु संतों के अंदर परमात्मा कब तक ढूंढेंगे, हम फिल्म कलाकारों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर परमात्मा कब तक ढूंढेंगे। अगर खिलाड़ियों की पूजा करने से, इन संत महात्मा की पूजा करने से, इन नेताओं की पूजा करने से अगर देश महान बनना होता तो देश महान बन गया होता। मैं तो एक बात कहता हूँ इनको महान बनाने बजाय स्वयं महान बनने का प्रयास करें। इसलिए जब साधु संतों के बारे में सुनता हूँ वो भ्रष्ट हो गए, उनने गलत काम किया, उस साधु ने गलत किया, उस नेता ने किया, तो मैं कई बार बोलता हूँ हम भी नंगे तुम भी नंगे, नंगे यहाँ तमाम रहे, दिल्ली ही क्या सारी दुनिया बन गई एक मामले, अगर जनता भ्रष्ट है तो जनता के साधु भी भ्रष्ट होंगे, जनता भ्रष्ट है तो उसके चुने हुए नेता भ्रष्ट होंगे, जनता भ्रष्ट है तो उसके खिलाड़ी भी भ्रष्ट होंगे। तो वास्तव में एक बड़ा काम है, अब जनता को ये अच्छा लगता है कि उसको एक थोड़ा सा कहो कि चार बार कीर्तन कर ले तो मुक्त हो जाएगा, तो भैया वो एक तरीका सरल है, वो तुम्हारे पैर छू जाएगा। और मैं पहले बोलता हूँ मेरे पैर छीने से तुम मुक्त नहीं होने हो, मेरे को महान बना के तुम मुक्त नहीं होने हो, जब तक तुम खुद महान बनने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक इस देश का एक एक व्यक्ति बनने महान बनने का प्रयास नहीं करेगा तब तक ये देश महान नहीं बन सकता। सत्कर्मों से वाकई महान तो बना ही जा सकता है आपका। और एक प्रादेशिक स्तर पर कार्यक्रम चलता है बाल विवाह को रोकने का और नात्रा प्रथा को लेकर भी आप काफ़ी चर्चा में रहे, आप ब्रांड एम्बेसडर बतौर पेश किए गए, किस तरह काम कर रहे हैं उस दिशा में? यह बहुत पहले राजगढ़ जिला जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो उस राजगढ़ जिले में जब हम छोटे छोटे थे जी, तो सुंदरकांड करते थे, गांव में जाया करते थे जी, और वहाँ गांव में बहुत अच्छी परंपरा आपने देखा होगा, शाजापुर में भी है जी, आजकल वो परंपराएं कम होती जा रही हैं जी, शाम के समय हनुमान जी का झंडा कई गांव में निकलता था जी, और ये अपने मालवा में विशेष परंपरा है। तो जब हनुमान जी झंडा गाँव में निकलता था तो हम उन गाँव के झंडों को हमने देखा, तो किसी एक दो गाँव में घूमने फिरने के लिए गया था तो पता पड़ा 25-30 गांव के झंडे उस गांव में आए हुए थे। हमने कहा परंपरा क्या है, तो मालूम पड़ा कि मतलब उस गांव के लोग जब झंडा लेके जाते हैं तो गांव वाले उस झंडे वाले को कुछ ना कुछ रुपया
देते या रुपया क्या, उस समय तो 5-10 पैसा होता था, हमको ही पूरे हफ्ते भर में 10 पैसा जेब खर्च मिलता था, और वो भी पिताजी की तरफ से नहीं, वो भी ताऊजी की तरफ से मिलता था। तो गांव वाले 5-10 पैसा या एक मुट्ठी अनाज झंडे को देते थे जी। और ये सब साल भर तक अनाज इकट्ठा होता था। इस अनाज को इकट्ठा करने के बाद में कुछ अनाज और इकट्ठा करके उसका भंडारा करते थे जी। और 25-25 गांव झंडे आते थे। तो उन कई गाँव के झंडों में जब मैं गया तो फिर मुझे लगा कि समाज सुधार का अच्छा माहौल है। तो मैंने वहाँ एक परंपरा देखी कि एक तो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो वंशज होते हैं उनको श्राद्ध करना पड़ता है, नुक्ता की नुक्ति बनानी पड़ती है जी। तो वो मैंने परंपरा देखी, महंगी परंपरा है ना जी। तो उस नुक्ते के लिए कई कई के घर और मकान बिक जाते हैं, इतना बड़ा नुक्ता करना पड़ता है जी। तो वो मैंने बचपन से वो भी अपने गाँव में देखा था कि कितने कितने गाँव के लोग आते हैं और वो मालपुए बनते हैं और सब चीज़ बनती है, इतना उसमें खर्च करना पड़ता है और नहीं करे तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। फिर दूसरी मैंने परंपरा देखी नात्रा जी, बाल विवाह भी था, बच्चों की शादी जल्दी कर देते हैं जी। तो वो भी सारी परंपरा देखी। तो नात्रे मैंने एक बार देखी, एक व्यक्ति शादी करके लाया जी, तो दूसरा नई लड़की लाने के बजाय इसको भगा के ले जाएगा और उसको स्टेटस सिंबल मानता था कि मैं उसकी औरत भगा के लाया जी। तो फिर वो आदमी इसके पास सामाजिक रूप से आता है, फिर बोलता तू मेरी औरत को लेके आया तो तेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा, मेरे को इतना खर्च हुआ था जी। तो वो इतना पैसा देता है, अगली बार इस औरत को भगा के दूसरा ले जाएगा तो वो फिर इतना पैसा पेमेंट करेगा। और ये परंपरा आप धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन मैंने देखा कि ये परंपरा बड़ी ऐसी बन गई और इसकी सामाजिक मान्यता है, बड़े प्रेम से बोलता है इसको मैं चौथे नात्रे वाली भी भगा के लाया हूँ। तो फिर मुझे लगा जब मैंने उन गांव में जाना चालू किया तो उस समय तो हमारे साधन भी सीमित थे, हमारे कुछ मित्र थे गोकुल वर्मा भोपाल में है या कुछ और राजगढ़ के लोकल मित्र थे, तो हम क्या करते थे गाँव में जाते थे तो 1.5 रुपये की साइकिल किराए मिलती थी और 2 रुपये का माइक किराया मिल जाता था बैटरी वाला, तो हम बैटरी माइक पीछे लगा के और कभी 15 किलोमीटर कभी 20 किलोमीटर गांव में जाते थे। और जब पता लग जाता था फला गांव में सम्मेलन होने वाला है तो हम सुबह से तैयार होकर उस गांव पहुंच जाते थे। तो वो गांव के लोग झंडा सम्मेलन करके कीर्तन करते थे अपने, लेकिन कीर्तन में क्या है धीरे धीरे जो आपने देखा होगा कि राजस्थानी कीर्तन के नाम पे क्या है, तो राजस्थानी गीतों के नाम पे हमने देख लिया, चुनरी घाघरा चोली के गीत राजस्थान गीत है, मालवा के गीत। तो मैंने देखा वहाँ पे धीरे धीरे परंपरा में लेडीज के कपड़े पहन के लोग नाच रहे हैं भजनों में हनुमान जी झंडे में, हमको लगा यार हनुमान जी झंडे भी ठीक करना है। तो हमने क्या किया कि वहाँ जाकर अपना माइक लगा देते थे, माइक किसी के पास नहीं होता था जी, हमने माइक लगाया और वहाँ जय श्री राम के नारे लगाना चालू कर दिए, सब लोगों ने नारे लगाए तो अलग अलग भजन बंद। तो फिर हम बोलते थे देखो कॉम्पिटिशन करके एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, आप कल्पना करो 16 गांव के लोग आके एक साथ भजन गाएंगे तो किसके अवसर में आएगी, लेकिन सबको अपना कॉम्पिटिशन। तो हमने कहा एक काम करो सब अलग अलग मत गाओ, यहाँ के बैठो और तुम अपनी भजन मंडली गाओ, तुम गाओ और जो भजन मंडली सबसे अच्छा गीत गाएगी उसको हम एक फर्स्ट आने वाली भजन मंडली को रामायण देंगे जी। और रामायण 2 रुपये की रामायण आती थी, सुंदरकांड आता था छोटा, तो हमने कहा जिसको सुंदरकांड देंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो हमने एक एक उबला के मंच पे गवाना चालू किया और फिर उसके बाद में वो आता दूसरा आता तीसरा आता तो लोगों को लगा बड़ा अच्छा, तो हम सबको हनुमान चालीसा ऐसी चीज़ वितरित करते थे। तो धीरे धीरे एक फ़ायदा उसमें होने लगा, हमने कई सारे गाँव में अभियान किया तो उन गाँव में भजनों में परिवर्तन आया। फिर हमने कुछ भजन नए बनाए जी, तो भजन भी भजन के शब्द चेंज किए, लेकिन उससे एक फ़ायदा दूसरा हुआ कि जब धर्म के माध्यम से जो चीज़ पकड़ में आई तो उसका निपटारा भी धर्म के माध्यम से होगा, यानी आप समझना विज्ञान के मार्फत से कोई कुरीति आई तो उसका निपटारा विज्ञान के मार्फत से होगा, धर्म के माध्यम से कोई कुरीति आई है तो उसका निपटारा भी धर्म के माध्यम से होगा। अब बाप मरता था तो वो बोलते थे हमको ओसर करना जरूरी है, क्यों, बोले हमारा धर्म है। तो हमने उनको माइक पे अपना उनको सब कुछ बांटने के बाद में पुरस्कार देने के पहले सब चुपचाप बैठ जाओ, तो सब लोग चुपचाप बैठ गए। फिर हमने बोलना चालू किया कि क्यों भैया राम जी को मानते हो कि नहीं मानते हो, बोले राम जी को मानते हैं। तुम इनकी राम जी को मानते हो, जब दशरथ जी मर गए थे तो राम जी ने कितने गांव के लोगों को भोजन कराया, तो बोलते थे रामायण पढ़ी बूढ़े बड़े, बोले राम जी ने तो भोजन नहीं कराया, इतना कोई अवसर नहीं कराया। तो मैंने कहा भैया जब राम जी ने भोजन नहीं कराया तो तुम शादी में बर्बाद क्यों हो रहे हो, तो बोलते थे मतलब उनको ऐसा झटका लगता था, बोले बात सत्य तो कुछ लोगों को समझ में आने लगी। फिर हमने एक उनके सामने नया विषय रखा, मैंने कि नात्रा करते बोले करते बोले अब सीधा उनसे जब बोलते थे कोई अधिकारी जाके कि नात्रा मत करो बाल विवाह मत करो तो लड़ने को तैयार होते थे। आज भी स्थिति आप देखते होंगे बाल विवाह रोकने जाओ तो लड़ेंगे, पहले तो स्थिति बहुत खतरनाक थी, पुलिस भी नहीं कर सकती थी, लेकिन हम गए बिना सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी कहाँ से लाएं भैया, उस समय तो हम खुद ही चले जाते थे तो बहुत बड़ी बात थी। तो हम गए जाके हम जब उनके बीच में खड़े हुए तो हमने उनसे एक ही बात कही कि राम जी की औरत को रावण भगा के ले गया था, तो अब एक बार बताओ राम जी ने रावण से नात्रा मांगा क्या, पैसे मांगे क्या कि मैं सीता को लेके आया मेरा इतना खर्च हुआ इतना दे दे सीता को ले जा, तो बोलते नहीं किया हमने, देख सुनो जिसका बाप एक उसकी औरत भी एक, वो उनको लगता था बात सत्य।
तो हमने उस समय अभियान चलाया था। बाद में फिर राजगढ़ मुझे छोड़ना पड़ा तो अभियान हमारा छूट सा गया। बाद में जब मैं बम्बई से होकर ये सब भारत माता की आरती चालू कर दी तो पिछले दिनों राजगढ़ मेरा कार्यक्रम हुआ था, तो अपने उज्जैन के कलेक्टर थे जो राजगढ़ में बाद में कलेक्टर बने श्री आनंद शर्मा जी, बहुत अच्छे, मुझे ऐसे अधिकारी बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझसे कभी इन काम के लिए सहयोग मांगते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ सारे खराब है, क्योंकि देखो नेता भी सारे खराब नहीं है, अफसर भी सारे भ्रष्ट नहीं। मैंने इतने ईमानदार अफसर भी देखे हैं राजगढ़ के, मैंने एसपी देखे थे उनके साथ में शशिकांत शुक्ला, इतना ईमानदार आदमी। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ ये सारे अधिकारी बेईमान है, सारे नेता बेईमान नहीं है और सारे युवक भ्रष्ट नहीं है। मैं तो जेएनयू के बारे में बोलता हूँ सारे बच्चे खराब नहीं, मैंने देखा है बच्चों को, सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ खराब लोगों को जब आधिपत्य हो जाता है तो लड़ाई उस आधिपत्य। राम जी ने भी रावण को मारा, सारे असुरों खत्म नहीं किया। तो उस समय आनंद शर्मा जी थे, वो मेरे दो तीन कार्यक्रम में आए, तो उन्होंने मेरे कार्यक्रम सुने, बोले बाबा जी आपका कार्यक्रम यार सीधा आदमी जुड़ जाता है। तो मैंने की बात सही है, मैंने कहा भाई साहब चूंकि मैं बिल्कुल ज़मीन पे रहा हूँ और ज़मीन से काम किया, तो मुझे मालूम है कि एक जो सुबह शाम की रोटी खाने वाला उस मजदूर की स्थिति क्या मुझे पता है। तो मैंने की उसकी भावना समझता हूँ, फिर मैं कॉलेज पढ़ने वाली भावना समझता हूँ, फिर मैं बम्बई में रहने मैंने काम किया तो वो भी भावना समझता हूँ, फिर मैं अमेरिका में वाशिंगटन में देखता हूँ, लॉस एंजलिस में देखता हूँ, लंदन में देखता हूँ, वहाँ के आदमी भावना समझता हूँ। तो जो मेरा प्रोग्राम अगर आपने भी देखा हो उसमें हर वर्ग के लोग आते हैं। बिल्कुल सही। फिर मैंने कवि सम्मेलन किए, तो मैंने सर ये मेरी क्षमता है, भगवान ने क्षमता दी है कि मैं जनता सीधा जुड़ सकूँ। तो उनने किया कि आपका कुछ कर्तव्य भारत के प्रति आप पूरा कर रहे हैं, भारत आपकी माता है, बोले राजगढ़ भी आपकी माता है। मैंने कहा राजगढ़ भी मेरी माता है, मध्य प्रदेश मेरी माता है। तो उन्होंने मुझसे कहा देखो हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, तो राजगढ़ में आप ये नात्रा के लिए काम करो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तमाम ऑफिसरों की मीटिंग बुलाई, फिर कहा भाई फंड निकालो, तो सब ऑफिसर थोड़ा थोड़ा फंड निकाला, तो पता पड़ा पूरा ईमानदारी से फंड निकला, तो उसमें फंड 70,000 का निकला। तो बोले हम व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कि अब अगर व्यवस्था करोगे भ्रष्टाचार से व्यवस्था होगी, भाई हम पुलिस को बोल देंगे इंतजाम करना तो मतलब गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं खुद इन गांव में आऊँगा, तो मैं खुद साउंड लाइट माइक सब लेके उन गाँव में गया था, काम किया। तो अब भी इच्छा रहेगी, मैं तो कहता हूँ जिस भी शहर में रहे उसकी आवश्यकता में जाऊँगा। बिल्कुल सही। सत्यनारायण जी आप हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम विशेष में पधारे और इतना समग्रता से पूर्णता से अपने बारे में बताया, और एक लंबे ब्रेक के बाद में कहीं ना कहीं एक बार फिर खबरवाणी के न्यूज़ के माध्यम से मौर्य साहब को, बाबा साहब को सब लोग सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि तीन दशक से जो शख्सियत लगातार जन जागरण का काम कर रहे हैं, किस तरह अलग अलग विधाओं के माध्यम से लोगों में जन जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कोशिश सार्थक भी होती जा रही है, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरवाणी न्यूज़ के कार्यक्रम विशेष में फिर एक नए मेहमान के साथ हम मौजूद रहेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सब खबरवाणी न्यूज़ के इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए खबरवाणी न्यूज़।